गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसी चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टिविटी पढ़ी लिक्विड्स में। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट इज़ द वन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। It is a basically chemical process using which a metal is coated with a layer of another desired metal. Means एक ये ऐसी chemical process है जिसमें metal को हम coat करते हैं दूसरे desired metal की। जैसे आपने सुना होगा बच्चों, बहुत सारे ornaments, jewelry हम use करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि जैसे इसमें चांदी का पानी चढ़ा दिया, इसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो ये जो पानी चढ़ा हुआ, ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। जैसे आप देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन ओवर द आर्टिकल मेड ऑफ आयरन टू मेक द आयरन शाइनी। जो आयरन के मटेरियल हैं, आयरन के आर्टिकल्स हैं, उनको शाइनी बनाने के लिए और उनको रस्टिंग से बचाने के लिए। रस्टिंग, अदरवाइज अगर आयरन से हम कोई चीज़ प्रिपेयर करेंगे तो उसमें रस्टिंग हो जाएगी और वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए भी और उसको शाइनी बनाए रखने के लिए भी तो पॉलिश की जाती है। जो हम कहते हैं ना, पॉलिश वर्ड हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली वो क्या है बच्चों, एक केमिकल प्रोसेस है, उसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये व्हील्स के रिम हैं, ये बिल्कुल हमेशा चमकते रहते हैं, तो ये किसके, आयरन के हैं, बट इस पर हम प्लेटिंग कर देते हैं, जिंक की प्लेटिंग हो जाती है, जिससे कि इन पे रस्टिंग नहीं होती, हमेशा चमकते रहते हैं। हैंडल्स ऑफ साइकिल हैं, या फिर ये देखो आपके ये जितने भी टैप हैं या ये लॉक एंड की हैं, ये हमेशा साइन ही करते रहते हैं, इनमें जंग नहीं लगता, इनमें रस्टिंग नहीं होती, बिकॉज ये इन पे दूसरे मेटल की लेयरिंग की जाती है और उसी लेयरिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल सॉल्ट इज टेकन इन ए कंटेनर। हम एक कंटेनर ले लेते हैं और उसमें एक सॉल्ट ले लेते हैं, मेटल का सॉल्ट, मींस कोई भी आप व्हाट, जो भी मेटल की हमें प्लेटिंग करनी है। जैसे मान लीजिए सोने का पानी चढ़ाना है, चांदी का पानी चढ़ाना है, या एल्युमिनियम का, जिंक का हमें लेयरिंग करनी है, कोटिंग करनी है, तो उसी मेटल का हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, देन सॉल्ट ऑफ मेटल इज चूजन विच टू बी कोटेड। वही सॉल्ट मेटल का, वही मेटल लेंगे हम। जैसे मान लीजिए आपको गोल्ड की है, तो गोल्ड होता है AU, गोल्ड का कोई भी सॉल्ट, गोल्ड क्लोराइड, गोल्ड सल्फेट, गोल्ड नाइट्रेट, उसका कोई भी सॉल्ट हम ले सकते हैं। मेटल विच इज़ टू बी कोटेड, और जिस पे हमें कोट करना है, इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन, और जिस पे कोटिंग करनी है उसको हम डिप करते हैं सॉल्यूशन में, और उस इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने सॉल्यूशन लिया उसी मेटल का जिसकी हमें कोटिंग करनी है, जिस पे कोटिंग करनी है उस मेटल को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। मेटल फॉर डिजायर्ड कोटिंग इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव पोल। और जिस मेटल की, गोल्ड की करनी है तो गोल्ड का इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा आपको, जिसका आपने मेटल सॉल्यूशन लिया उसी का आपको यहाँ इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी, बैटरी आपने ऑन की, तो मेटल फ्रॉम एनोड इज डिजॉल्व इन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डिपॉजिटेड ओवर द नेगेटिव पोल। और नेगेटिव यहाँ से वो डिस्चार्ज होता है मेटल, और वो जा करके इस नेगेटिव पोल पे डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे, और इस जो ये मेटल है इस पे जो है कोटिंग हो जाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक, इसमें आप देखो जैसे चम्मच है, लोहे की चम्मच बनाई और उस पर क्या करते हैं, उस पर प्लेटिंग कर देते हैं जिंक की, चमकती रहती है ना हमेशा, तो क्या करेंगे, चम्मच जो आपकी है लोहे की चम्मच, उसको हम बैटरी के नेगेटिव पोल से कनेक्ट कर देंगे और उस चम्मच को इस जिंक के सॉल्यूशन में हम डिप कर देंगे। ठीक, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उस स्पून के, उस चम्मच के चारों तरफ जो है वो जिंक मेटल जो है डिपॉजिट हो जाएगा, स्टील डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसको हम उसके बाद बाहर निकाल देंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे देखिए यहाँ पर ये मेटेलिक स्पून है, इस पर कॉपर की हमने प्लेटिंग कर दी है,
ऐसे ही यहाँ पे ये देखिए, ये गोल्ड की प्लेटिंग है, ठीक है। ग्लास की जो फ्रेमिंग करनी होती है, ऑल ग्लासेस फ्रेम टू बी प्लेटेड, जो भी ग्लास है उनको हम अगर गोल्ड से प्लेट कर रहे हैं, या ये वाला आपका फिगर है एनसीईआरटी में भी यही वाला है कि स्पून को सिल्वर की चांदी की चम्मच की उसमें लेयरिंग कर देते हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल जो है इलेक्ट्रो प्लेटिंग का है। इसमें से आप सिर्फ एक ही डायग्राम लेंगे जो आपकी बुक में बना हुआ है, उसी डायग्राम को आपको इलेक्ट्रो प्लेटिंग में ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें यूज ऑफ इलेक्ट्रो प्लेटिंग। इलेक्ट्रो प्लेटिंग का यूज बहुत सारी जगह होता है बच्चों, वाटर पाइप्स में जो कि आयरन के बने हुए हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, कोटेड विद अ जिंक मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो प्लेटिंग। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन आयरन एंड दस प्रिवेंट द आयरन पाइप फ्रॉम गेट रस्टेड, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से रिम्स ऑफ व्हील ऑफ साइकिल कार आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम मेटल, ठीक है। जितने भी व्हील्स हैं कार्स हैं उनको शाइनी बनाने के लिए उनको हम क्या करते हैं, क्रोमियम मेटल से उनको इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं, लेयरिंग उस पर कर देते हैं, जिससे कि उनकी शाइनिंग हमेशा बनी रहती है। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर एंड अदर चीप मेटल्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद गोल्ड टू गिव देम अपीयरेंस लाइक गोल्ड। मीन्स कि ऐसे बहुत सारे ज्वेलरीज होती हैं, जब बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड की या सिल्वर की ज्वेलरी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो वो ज्वेलर्स क्या करते हैं, सिंपल जो बहुत चीप मेटल हैं, सस्ते मिलते हैं मेटल, उन मेटल की ज्वेलरी बनाते हैं और उनके बाहर से गोल्ड की लेयरिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, जिससे कि वो गोल्ड का सा अपीयर होता है, बट उसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है, गोल्ड के बराबर नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्नामेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड अप ऑफ आयरन। जो टिन की कैन होते हैं वो भी पूरे टिन के नहीं बने होते, आयरन के बने होते हैं, बस उनमें टिन की कोटिंग कर देते हैं क्योंकि टिन जो है वो लेस रिएक्टिव है, टिन जो है वो फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। आयरन फूड, अगर आयरन के बर्तन में आप फूड को रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसमें टिन की कोटिंग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं किसके लिए, सेफ करने के लिए, साइन बनाने के लिए। बहुत सारे आपने देखे होंगे घर में जो स्टैचूज वगैरह रखे जाते हैं, जो डेकोरेटिव मटेरियल रखे जाते हैं मेटल के जो आपको दिखाई देते हैं, वो सब जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से ही पॉसिबल होता है, ठीक है, जिससे कि मेटल साइनी बना रहता है। अदरवाइज मेटल मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो है वो आयरन के बनते हैं और आयरन पे रस्टिंग हो जाती है, तो रस्टिंग होगी वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके आप जो है नोट्स अपनी कॉपी में लिखेंगे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज मैं आपको आज भेज दूँगी, आप उसको एक्सरसाइज कॉपी में करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।